आप देख रहे हैं SCN न्यूज इंडिया, हर खबर पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता की सुविधाओं और सहूलियत के लिए चाहे जितनी भी योजना बनाए, ग्राम का विकास भ्रष्ट तंत्र के चलते मुमकिन नहीं है। शासन प्रशासन भ्रष्टाचार को खत्म करने चाहे जितना भी पारदर्शी सिस्टम कर ले, पर निचले स्तर पर बैठे अधिकारी कर्मचारी सबको धत्ता बताते हुए शासन की योजनाओं का पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और योजनाओं के नाम पर वसूली करना भी इनका पेशा बन गया है। ऐसे ही सरपंच सचिव से सजी धजी मंडला जिले की बिछिया जनपद की पंचायत बुडला है, जहां जमकर सचिव द्वारा शासकीय पैसे की होली किस कदर खेली जा रही है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं स्थायी निवासी हूं, क्योंकि मैं पूर्व में सरपंच भी रह चुका हूं और मेरे गांव में सर सचिव सरपंच के द्वारा बहुत मनमानी कार्य हो रहे हैं। जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उसमें सभी कार्य जो है अपूर्ण हैं और प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने के लिए जो है हितग्राहियों से 5-5, 10-10 हज़ार रुपये लिया गया है और शौचालय निर्माण की राशि भी ग्राम पंचायत के चपरासी के खाते से राशि आहरण करते हैं। इसके लिए जो है हम लोग जिले में कलेक्टर महोदय के यहाँ जनपद बिछिया में भी दिया गया, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुआ इसकी जानकारी देने पर। हम संबल योजना और संबल योजना के तहत जो है राशि सचिव अपने खाते में निकाल कर हितग्राहियों को देता नहीं है, पूरे राशि अपने जेब में रख लेता है। पिताजी खत्म हो गया है जुलाई में सर, उसका कोई लाभ नहीं मिला या संबल योजना से कोई जानकारी बता रहे ना? कुछ नहीं सचिव सरपंच, कुछ नहीं किया। आपने इसकी कहीं शिकायत की? बाहर ऊपर शिकायत नहीं की, साहब ये सरपंच सचिव जानेंगे क्या बोलते हैं। ओ यहाँ खत्म ही हो गया है योजना, कुछ नहीं मिल रहा है बोल रहा। सरपंच सचिव ने वो दिन कि आवास बनवाए थे वो 5,000 रुपया दी तो हम 5,000 रुपया दिए, फिर मकान ही नहीं बन पाया हमारा अभी तक। कितने दिन हो गए? 4-5 साल हो गए। पैसा वापस किया नहीं? नहीं किया। मांगने के लिए गए तो पैसे नहीं दे रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, आवास बनेगा नहीं बनेगा? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सरपंच सचिव ने मेरे से 5,000 रुपये लिए आवास बनाने के लिए, लेकिन अभी तक नहीं बनवाया। और थानों में रिपोर्ट किए तो खाते में डाल देंगे, पैसा वापस कर देंगे, ऐसा करके बोल रहे हैं और अभी तक नहीं दिए। पंचायत बुडला की शिकायत के बारे में आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री आवास में जो गरीबों की योजना है जिसमें हम लोग जिसका आवास नहीं होता है, एक रूम कच्चा वाले को शासन के दिशा निर्देश में पात्रता वाले को देते हैं। यदि इस प्रकार के किसी के द्वारा भी सचिव या सरपंच अन्य व्यक्ति के द्वारा 5-10 हज़ार लिया गया है तो ये अवैधानिक है, इसका सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जांच टीम जनपद से बैठाया जाएगा और एक एक हितग्राही से बयान लेके जांच किया जाएगा। और शौचालय निर्माण में यदि गुणवत्ताविहीन शौचालय है, अनुपयोगी है, तो उसमें भी जांच कर वसूली की कार्रवाई की जाएगा। और सीसी निर्माण में यदि गुणवत्ता है तो सहायक केंद्र को मैं भेजूँगा, जाँच करेंगे और ज़रूरत पड़े तो उनका जो है गुणवत्ता नियंत्रण का उसका परीक्षण के लिए लेबोरेटरी भेजेंगे। वहाँ यदि शिकायत गलत आया या अनुपयोगी आया तो इसके ऊपर कार्रवाई करके वसूली की कार्रवाई करेंगे। सर एक शमशान घाट में काम, उसकी पेमेंट निकल चुकी है, अभी तक काम अधूरा है, उसके बारे में क्या? रोजगार गारंटी योजना में शमशान घाट में काम कराया जाता है, ऑनलाइन रिपोर्ट उसको निकाल लेंगे। ऑनलाइन रिपोर्ट के आधार पर इनका मूल्यांकन आ रहा है तो सही है, और मौके पर यदि पैसा निकला है, मौके पे काम नहीं हुआ है, जिसमें फाइल दर्ज की कार्रवाई कर वसूली की कार्रवाई तत्काल किया जाएगा। मंडला से शारदा श्रीवास की रिपोर्ट।